हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो आखिरकार दोस्तों, पंजाब में नई सरकार बनने के बाद नए नए फैसले जारी किए जा रहे हैं। सो उसी बीच पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया फैसला जो है वो जारी किया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना एक न्यूज दिखाता हूँ। देखिए, एडमिशन अलर्ट, पंजाब दे सरकारी स्कूलों च दाखलिया संबंधी नवे दिशा निर्देश जारी, अध्यापकों की लगी ए ड्यूटी। तो क्या है पूरी खबर, अब हम वो भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब ने इस बार भी सरकारी स्कूलों के दाखलिया वधाउण लई स्कूलों नूं दिशा निर्देश जारी किए ने, जिस तों बाद स्कूलों की मुहिम शुरू कर दी गई है। भावें स्कूलों ने पहला अपने पद्धर से दाखले शुरू कर दिते सन, पर दिशा निर्देशों की उड़ीक कर रहे सन। विभाग ने ईच वन ब्रिंग वन मुहिम तहत सैशन 2022-23 लई दाखले शुरू कर दिते हैं। जेकर पिछले साल की गल करिए, प्री प्राइमरी तो लैके 12वीं जमात तक के विद्यार्थियों के दाखले 14% का वाधा होया सी। सो अब देखना यही होगा कि क्या ये जो मुहिम जारी की गई है पंजाब स्कूल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि डिजाइन की गई है डेली हंट के द्वारा। इस साल डेली हंट ने आई चीफ स्कॉलरशिप एग्जाम लेने का फैसला किया है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली हंट जल्द ही अपना एक एजुकेशनल ऐप भी लॉन्च करने वाला है, जिसमें आप क्लासेस, स्टडी नोट्स और क्विज मिलेंगे। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने आप को कीजिए रजिस्टर। एजुकेशन बोर्ड की ओर से इससे कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर कोरोना के चलते जो एडमिशंस हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सो बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट निकल के आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।